खास स्तर पर आ चुकी है। जहां लोग ईद की शॉपिंग में बेहद मसरूफ हैं, वहीं शहरी अपनी गाड़ियां धुलवाने और उन्हें चमकाने सर्विस स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। चाहे घंटों इंतजार करना पड़े, लेकिन ईद पर गाड़ी तो साफ ही चाहिए। शहरियों का कहना है कि ईद के रोज रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है तो गाड़ी साफ ही होनी चाहिए। कल ईद का वक्त है, लोग अपने लिए नए कपड़े लेते हैं, नए जूतियाँ लेते हैं, अपने घरों की सफाइयाँ करवाते हैं। इसी तरह मैं भी आया हूँ अपनी गाड़ी की सफाई करवाने के लिए, क्योंकि रिश्तेदारों की तरफ आना या जाना होता है, दोस्त अहबाब मिलने आते हैं या दोस्त अहबाब की तरफ आपने जाना होता है। कल ईद है, सब ने जाना होता है, रिश्तेदारों की तरफ होता है, गाड़ी जरा साफ सुथरी हो। आम दिनों में गाड़ियाँ तो वैसे सर्विस होती रहती हैं, लेकिन ईद के दिनों में जो ईद का चांदरा तो ये चांदरा से एक दिन पहले ही होता है ना, ये बहुत हमारे पास रश होता है गाड़ियाँ धुलवाने के लिए, और हर कस्टमर की यही बहस होती है हमारे साथ कि हमारी गाड़ी पहले तो। दूसरी जानिब ईद के रोज लंबी कतारों की जहमत से बचने के लिए शहरियों ने आज ही गाड़ियों में फ्यूल भी भरवाना शुरू कर दिया है, ताकि ईद पर तसल्ली से घुमा फिरा जा सके। इनकन्वीनियंस और अजियत से बचने के लिए हम अभी आ गए हैं। आप देख ही सकते हैं लाइंस किस तरह आपके पीछे लगी हुई हैं। कल बहुत ज़्यादा रश होगा, जिस वजह से हम बच्चे हैं और आपको पता है मुश्किल होती है हमारे लिए, इसलिए आज ही CNG भरवाना थी। जिंदा दिलाने लाहौर हर त्यौहार भरपूर जोशो खरोश से मनाते हैं। फ्यूल की कमी का रिस्क और गर्दो गुबार से अटी गाड़ी इनके लिए काबिले कबूल नहीं। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ आमिर डार, सिटी 42।